सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन टू फ्लिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे रिसेंटली रिलीज और हिंदी डब 10 सबसे धमाकेदार मूवीज को। इस लिस्ट के अंदर आपको कमाल की एक्शन थ्रिलर, कमाल की हॉरर मूवीज देखने को मिलेगी। और सबसे कमाल की बात, इस लिस्ट की सभी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में और एक से बढ़कर एक होने वाली है। सो बिना किसी देरी के लिए स्टार्ट दिस वीडियो। हमारे नंबर 10 की मूवी है अंडर पेरिस, जो है ये 2024 में एक एक्शन हॉरर ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है कुछ साइंटिस्ट की, जो कि एक शार्क पे रिसर्च कर रहे होते हैं। और रिसर्च के दौरान कुछ ऐसा होता है, ये शार्क पकड़ा जाती है और सभी रिसर्चर्स को मार देती है। और इस इवेंट के 3 साल बाद ये शार्क अचानक से पेरिस पे अटैक कर देती है और कितनी ज्यादा तबाही मचाती है और कितने लोगों को मौत के घाट उतारती है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 5.3/10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है फ्रीलांस। ये मूवी आई थी साल 2023 में, एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है मैनसन नाम के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की, जो कि रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं है, अपने आर्मी करियर को बहुत ही ज्यादा मिस करता है। और रिटायर होने से पहले लास्ट मिशन में इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिस वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी रहता है। पर उसी बीच एक सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा इसको एक मिशन दिया जाता है, जिसमें इसको एक रिपोर्टर का बॉडीगार्ड बनके दूसरे देश में जाके एक तानाशाह का इंटरव्यू लेके वापस आना है। मिशन बस इतना ही होता है। पर जब ये दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं, तब ये अचानक से तख्ता पलट हो जाता है। तानाशाह के ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, तो ऐसे में मैसन किस तरह रिपोर्टर को प्रोटेक्ट करता है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी अब हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 5.5/10 IMDb पर। हमारे नंबर 8 की मूवी है टेरो। ये मूवी आई है 2024 में, एक हॉरर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है दोस्तों के एक ग्रुप की, जो कि अपनी एक फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक मेंशन रेंट पे लेते हैं। और सेलिब्रेशन करते करते पहुंच जाते हैं उस मेंशन के बेसमेंट में, जहां पे इनको कुछ टेरो कार्ड मिलती है जिससे आत्माओं को बुलाया जा सकता है। और कैसे टेरो कार्ड के जरिए आत्माओं को बुलाते हैं और आत्मा आने के बाद इन सभी के साथ क्या कुछ होता है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 4.8/10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है कॉन्क्रीट यूटोपिया। ये मूवी आई थी साल 2023 में, एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है साउथ कोरिया के एक शहर सोल की, जहाँ पे एक दिन अचानक से एक बहुत ही बड़ा भूकंप आता है। पूरा शहर तबाह बर्बाद हो जाता है। पूरे शहर में सिर्फ एक ही बिल्डिंग बचती है। और कैसे इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग सर्वाइव करते हैं और सोल में बचे हुए लोग जब इस बिल्डिंग में आने लगते हैं, तब कहानी में क्या कुछ होता है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी अब हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 6.6/10 IMDb पर। हमारे नंबर 6 की मूवी है एबिगेल। ये मूवी आई है 2024 में, एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है कुछ किडनैपर्स की, जो कि एक दिन एबिगेल नाम की एक 12 साल की बच्ची को किडनैप करते हैं और एबिगेल के फादर से $50 मिलियन की मांग करते हैं। पर इन किडनैपर्स को ये नहीं पता होता जिस लड़की को इन लोगों ने किडनैप किया है वो एक वैम्पायर है। और आगे एबिगेल इन किडनैपर्स के साथ क्या कुछ करती है, कोई जिंदा बच पाता है नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। कमाल की हॉरर थ्रिलर मूवी है। डेफिनेटली मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। मूवी अब हिंदी लैंग्वेज में Zee5 पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 6.4/10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है इफ। I like ये मूवी भी आई है 2024 में, एक एनिमेशन कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक बच्ची की, जिसकी लाइफ में इसके साथ कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है जिस वजह से अपना बचपना खो चुकी है। ये खुद को बच्ची नहीं बल्कि एक जिम्मेदार बड़ी लड़की समझती है। और उसी बीच इसको इफ नाम के कुछ एनिमेशन क्रिएचर्स दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसे सिर्फ यही देख सकती है। आखिर क्यों इसको ये इफ नजर आ रहे हैं और इफ दिखने के बाद इसकी लाइफ में क्या कुछ होता है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी अब हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 6.6/10 IMDb पर। हमारे नंबर 4 की मूवी है ट्रिगर वार्निंग। Close your eyes. इस मूवी को हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है पार्कर नाम की एक कमांडो की, जिसको अपने फादर की डेथ की वजह से अपनी जॉब छोड़ के अपने होम टाउन में वापस आना पड़ता है। और होम टाउन आने के बाद इसको पता चलता है इसके फादर की डेथ कोई नॉर्मल डेथ नहीं बल्कि उनका मर्डर किया गया है। आखिर इसके फादर को किसने और क्यों मारा और ये किस तरह उन लोगों से अपने फादर की मौत का बदला लेती है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी की कहानी सिंपल है, बट मूवी के अंदर एक्शन को भर भर के डाला हुआ है, जिस वजह से मूवी आपको पसंद आएगी। मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 5.0/10
IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है अल्ट्रामैन राइजिंग। ये मूवी आई है साल 2024 में। एक एनिमेशन एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है अल्ट्रामैन नाम की एक जापानी सुपर हीरो की, जिसको अपनी सुपर हीरो वाली जॉब में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा होता है। ये जायंट मॉन्स्टर से लड़के थक चुका है, पर उसी बीच इसको एक मॉन्स्टर के बच्चे की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और ये बच्चा किसी भी हाल में मूवी के विलन को चाहिए। आखिर अल्ट्रामैन को इस बच्चे की जिम्मेदारी क्यों उठानी पड़ती है और विलन को ये बच्चा क्यों चाहिए, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बढ़ते अपने नंबर 2 की मूवी की ओर, और हमारे नंबर की मूवी है बैड बॉयज राइड और डाई। ये मूवी भी है ये साल 2024 में। एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है और ये मूवी बैड बॉयज मूवी सीरीज का फोर्थ पार्ट है। और इस मूवी की कहानी ठीक थर्ड पार्ट को कंटिन्यू करती है। और इस बार भी इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है हमारी मूवी के हीरोज की, जिनको पता चलता है इनके पूर्व कैप्टन के ऊपर करप्शन का चार्ज लगा है और अब इनको किसी भी हाल में अपने कैप्टन को बेगुना साबित करना है। आखिर किसने इनके कैप्टन को फंसाया और किस तरह अपने कैप्टन को बेगुना साबित करते हैं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। फिलहाल मूवी हिंदी लैंग्वेज में सिनेमा हॉल्स में अवेलेबल है। मूवी क्वालिटी में 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बढ़ते अपनी लास्ट मूवी की ओर, और हमारी लास्ट मूवी है हिट मैन। ये मूवी आई थी साल 2023 में। एक कॉमेडी क्राइम ड्रामा रोमांस मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है गिरी नाम के एक फेक हिटमैन की, जो कि पुलिस के लिए हिटमैन बनने का नाटक करता है, पुलिस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर बनने का नाटक करता है। इसकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, पर उसी बीच इसको एक लड़की से शिद्दत वाला प्यार हो जाता है। और आगे कहानी में क्या कुछ होता है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी अब हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइज, आई होप आपको सभी की सभी मूवीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और न्यू मूवीज और वेब सीरीज की अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा। सो मैं मिलता हूं आपको अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।